रूस में आज दमखम दिखाएगी भारतीय सेना। भारत की सेना के तीनों अंग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान रूस में एक साथ परेड करते आएंगे नजर। ये पहला मौका है जब तीनों सेनाएं मॉस्को के रेड स्क्वायर पर करेंगी परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे शिरकत। इससे पहले भारतीय थल सेना की टुकड़ी ने साल 2015 में परेड में लिया था भाग। वाराणसी में आज होगी बीजेपी की वर्चुअल रैली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे जनता को संबोधित। शाम 4:45 बजे जनसंवाद का होगा आयोजन। रैली में जनसहभागिता से आत्मनिर्भर भारत के मोदी मंत्र का किया जाएगा संचार। भाजपा ने 10 लाख लोगों को जोड़ने का किया दावा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की घेराबंदी का कांग्रेस ने बनाया प्लान। आज से शुरू करेगी आंदोलन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में होगा प्रदर्शन। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी किया जाएगा ये प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना जिनका राज्य विधानसभा में है प्रतिनिधित्व। राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर होगी चर्चा। लॉकडाउन को लेकर भी की जाएगी बातचीत। भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में 50% कम की जाएगी कर्मचारियों की संख्या। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में भी भारत अपने कर्मचारियों की संख्या में करेगा इतनी ही कमी। आज से कर्मचारियों की छटनी का काम हो सकता है शुरू। वाघा बॉर्डर से वापस आएंगे भारतीय कर्मचारी। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर नीति आयोग आज से भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना करेगा शुरू। भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य। भारत 2008 से ही ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी तय करने वाले अंतर सरकारी संगठन ITF का है सदस्य। ITF के महासचिव यंग ताई किम और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत करेंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B समेत कई तरह के वर्क वीजा पर 31 दिसंबर तक के लिए लगाई रोक। आज से लागू होगा नियम। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर लिया गया फैसला। कारोबारी संस्थानों ने किया विरोध। H-2B और L जैसे फॉरेन वर्क वीजा भी किए सस्पेंड। आज से 2 फेज में खुलेगा न्यूयॉर्क। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्तरां और सलून। लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का भी करना होगा पालन। आज रिलीज होगी अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बुलबुल। सस्पेंस से भरा दिखा फिल्म का ट्रेलर। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। और उत्तर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में आज मानसून के पहुंचने की संभावना। 5 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया गया है अलर्ट।